खुरई सागर रोड पर सिलौधा के पास एक्सीडेंट में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। सिलौधा गांव के पास अज्ञात वाहन के चक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत, देहात थाना पुलिस जांच में जुटी। खुरई सागर रोड पर सिलौधा गांव के पास अज्ञात वाहन के चक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर रात लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि तीनों मृतक दोस्त थे जो गलोड़ा गांव से खुरई शादियों में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इनमें से 22 वर्षीय चंद्र कुमार जैन और 18 वर्षीय हरिओम तोमर दोनों गड़ोला जागीर निवासी है, जबकि पवन घोसी पिता चैन सिंह पाली गांव निवासी बताया जा रहा है। परिजनों ने एक्सीडेंट में संदेह होने की बात बताते हुए पुलिस से ठीक से जाँच करने की मांग की है। देहात थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों के हवाले कर दिया। फिलहाल देहात थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। वंदे भारत के लिए पंडित कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। ये घटना 3:30 बजे लगभग फोन आया है और पता चला है, माने बताया कि वो शादी में आए थे खुरई, तो यहाँ से वापस हुए हैं करीब 2 बजे के समय और लगभग 3:30 बजे तक वहीं रहे, स्पॉट पे रहेंगे। और जानकारी आई तो बोले एक्सीडेंट हो गया, तो स्पॉट पे हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ देखा तो तीनों ये बच्चे वहाँ। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, कैसे क्या दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट कोई अज्ञात वाहन ने? अज्ञात वाहन ने, उसमें हमें कुछ संदेह लग रहा है क्योंकि स्पॉट पे ऐसा हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो बॉडी दिख लग रहा है बॉडी के माध्यम से, तो उसमें हमें थोड़ा सा संदेह है। कोई बड़ा वाहन के माध्यम से, छोटा वोटा वाहन नहीं लग रहा है ना, कोई बड़ा वाहन से एक्सीडेंट हुआ है। और बाकी जो कैमरे के माध्यम से हमें जानकारी मिल जाए, ऐसा हम आपसे आग्रह है, प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र इसका पता लगाने का कृपा करें। ये कौन थे आपके? ये हमारे बड़े दादाजी के पुत्र का, हमारा बेटा भतीजा कहना है। सुबह करीब 4 बजे सूचना मिली, एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंच कर हमने देखा, जो मौके पर 2 व्यक्ति मौत हो गए थे, तीसरे व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया गया था जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 व्यक्ति गड़ोला जागीर गाँव के हैं, 1 व्यक्ति पाली गाँव का है। ये तीनों जन एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए खुरई आए थे, खुरई से वापस अपने गाँव जा रहे थे।